महागठबंधन और एनडीए हमारी पार्टी पर विलय करने का बना रही थी दबाव, जीतन राम मांझी का बयान। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड सेरेमनी में इतने सारे लोगों को एक साथ बुलाने का फैसला गलत, राज ठाकरे का बयान। दिल्ली विधानसभा में सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग और सीएम केजरीवाल को समन देने का उठा मुद्दा। अतिक अशरफ मर्डर की जांच के लिए प्रयागराज पुलिस ने एसआईटी गठित की। 500 करोड़ के घोटाले का इस उद्धव गुट के नेता रविंद्र वाइकर के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने शुरू की जांच। शिक्षक भर्ती रद्द करने के कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। कर्नाटक चुनाव में डीके शिव कुमार और एचडी कुमार स्वामी आज नामांकन दाखिल करेंगे। दिल्ली में आपकी मेयर उम्मीदवार होगी शैली ओबराय, संजय सिंह ने किया ऐलान। दुष्कर्म के आरोपी आसाराम के खिलाफ दायर राजस्थान सरकार की याचिका पर फैसला आज। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार कर्नाटक कांग्रेस के ऑफिस पहुंचे।